बिहार में सबसे ज्यादा 59% बच्चे 10वीं क्लास के पहले पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये किनके बच्चे हैं? आदिवासी की बात करेंगे तो 80% और माइनॉरिटी की बात करेंगे तो 37% बच्चे 10वीं क्लास के पहले पढ़ाई छोड़ देने के लिए मजबूर है। पढ़ाई नहीं, कोई गुणवत्ता नहीं। हम मांग करते हैं कि बिहार में समान स्कूल प्रणाली लागू हो, शिक्षा के अवसर में समानता होगा तो पता चल जाएगा कि प्रतिभाएं विशेषाधिकार प्राप्त जातियों के गर्भों में पला नहीं करती। सरकार ने ये जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की, मैं इसका शिक्षा वाला पढ़ रहा था, अभी पूरे देश में यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन का रिपोर्ट आई है 2019-20 का, कि पूरे देश में 25% बच्चे 10वीं के पहले पढ़ाई छोड़ देते हैं और 35% दलित बच्चे पढ़ाई छोड़ देते, 39% आदिवासी बच्चे और 23% माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। लेकिन बिहार में जो ड्रॉप आउट है इसमें जिक्र नहीं है, और इस सर्वेक्षण के अनुसार इसमें माइनॉरिटी का जिक्र नहीं है, और इस सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में सबसे ज्यादा 59% बच्चे 10वीं क्लास के पहले पढ़ाई छोड़ देते हैं। अगर दलित की बात करेंगे तो 61% और आदिवासी की बात करेंगे तो 80% और माइनॉरिटी की बात करेंगे तो 37% बच्चे 10वीं क्लास के पहले पढ़ाई छोड़ देने के लिए मजबूर है। ये किनके बच्चे हैं? ये उन माता पिता के बच्चे हैं जो देश के खेत खलिहानों में, कल कारखानों में, खान खदानों में मेहनत करते हैं, खून पसीना लगाते हैं, देश बनाने वाले हैं, राष्ट्र बनाने वाले हैं। और ये बच्चे जब मां के पेट में होते, मां को भोजन नहीं मिलता महोदय, कुपोषण के शिकार होकर के कम वजन में पैदा लेते, और पैदा होने के बाद मां के छातियों में दूध नहीं होता, 3 माह में माओं की छातियां सूख जाती, बच्चों की उपस्थिति मात्र 20-25% है। पढ़ाई नहीं, कोई गुणवत्ता नहीं। हम मांग करते हैं कि बिहार में समान स्कूल प्रणाली लागू हो। किसके हक में, किसके भविष्य में समान स्कूल प्रणाली आयोग की सिफारिश को भंग किया गया? शिक्षा के अवसर में समानता भारतीय संविधान में हमारा मौलिक अधिकार है, और हम कहते हैं कि शिक्षा के अवसर में समानता दो, पता चल जाएगा यह राष्ट्र के साथ अपराध है। कुपोषण के शिकार और पढ़ाई छोड़ देते, ये मानव संसाधन का नरसंहार है। शिक्षा के अवसर में समानता होगा तो पता चल जाएगा कि प्रतिभाएं विशेषाधिकार प्राप्त जातियों के गर्भों में पला नहीं करती। और इसलिए जब शिक्षा के अवसर में समानता हो, यह हम मांग करते हैं, ताकि राष्ट्र का विकास हो और सभी के बच्चे एक समान शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा को महोदय बाजार का माल बना दिया गया है, ज्ञान को शिक्षा का हो रहा है, शिक्षा का बाजारीकरण। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।